अरे पंडित जी, ये हमारे कहाँ चले गए? इतना महत्वपूर्ण काम आ गया है और ये जगह पर नहीं है। अरे ए ए शूद्र, आप क्यों बोलती है? शूद्र, मेरी प्रदक्षिणा के बिना और वंदना के बिना तू जा रहा था? क्या व्यवस्था के रीति रिवाज भूल गया तू? ए शूद्र, कहाँ जा रहा है तू? हाँ, तेरी मति मारी गई है क्या? हमारे ब्राह्मण जी की गाय मरी पड़ी है, घर चल और उसे उठा लिया। जब गाय जीवित थी तो तुम्हारी और मर गई तो मेरी। गोदान तुम लेते हो, गाय का दूध तुम पीते हो और मरी गाय मैं उठाऊं? मूर्ख, ब्राह्मण से भी बात करता है? अरे चमड़ी तो तू ही लेता है ना, और गोमांस भक्षण भी तो तू ही करता है, है? ब्राह्मण देवता, इतनी दया दिखलाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करो, इस बार चमड़ी भी तुम ही रखो और गोमांस भी तुम ही खाओ। उस शूद्र का इतना दुस्साहस कि ब्राह्मण की आज्ञा की अवहेलना करे, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। उसे बाद में नष्ट कीजिएगा, पहले इस पशु को तो हटाइए। क्या अनर्थ बोल रही हो तुम? ब्राह्मण होकर मैं चमड़ी को हाथ लगाऊं? अजी, दान भी तो इसी हाथ से लेते हैं आप। पंडिताइन, क्रोधित क्यों होते हैं? क्रोध करना है तो उन शूद्रों पर कीजिए, शूद्रों पर जिनकी अचानक मति मारी गई है। वो सब विश्राम करेंगे और हम सब कार्य करेंगे। संकट का समय आ गया है, ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त हो रहा है। सत्य वचन प्रभु, सुर सुरा सुंदरी क्या दीन थे, अब तो सब कुछ एक स्वप्न सा प्रतीत हो रहा है। पहले हम इन शूद्रों को अपने से दूर रखा करते थे, लेकिन अब वही हमसे दूर रहने लगे। शूद्र हमारी सेवा करते थे, आजकल वो अपने स्वयं के काम काज करने लगे हैं, अध्ययन कर रहे हैं वो लोग। भाषा और ज्ञान जिसका हमें पैतृक अधिकार था, उसे भी ये शूद्र छीन ले जाएंगे। इतना ही नहीं, वर्ण व्यवस्था समाप्त करने के लिए वे गोष्ठियां भी कर रहे हैं। वैदिक धर्म की वर्ण व्यवस्था पर गौतम बुद्ध ने कुठाराघात किया है। समस्त आर्यावर्त में ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो रहा है। विचार करो, अगर कोई नीची ना रहे तो हम ऊंच कैसे रहेंगे? खुद सत्य कह रहे हैं आप। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। इस तरह से तो हमारे अस्तित्व ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस विपदा से हमें एक ही महापुरुष बचा सकते हैं, वो है हमारे मनु महाराज। जीत कह रहे हैं आप। चलो 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 चलते हैं, चलिए चलते।
संपन्न वेद शास्त्र पारंगत महामुनि मनु महाराज, अब लोगों ने हमारा आदर करना छोड़ दिया है। महाराज, हमारे आदेशों की अवहेलना करने लगे हैं ये लोग। शूद्र तो हमारे सामने गर्व से तनकर चलते हैं। हमारे जीवन यापन का कोई साधन नहीं रहा, कोई दान दक्षिणा नहीं देता। भूखों मरने का समय आ गया है। हमारे वैदिक धर्म का किसी को भय नहीं रहा महाराज। बुद्ध के इस धर्म से हमारा विनाश हो रहा है महाराज, विनाश। हमारा और आपका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण धर्म, वेद शास्त्र और पवित्र पुराण प्रभावहीन हो जाएंगे महाराज। वेदों को मिथ्या समझने वाले ब्राह्मण धर्म के शत्रुओं, ब्राह्मण जाति के श्रेष्ठत्व को स्थायी रखने के लिए मैं ऐसे दंड विधान की रचना करूंगा कि कोई भी ब्राह्मण के सम्मुख शेष उठाकर चलने का दुस्साहस नहीं करेगा। मैं मनु वेदों को प्रमाण मानकर ऋषि परंपरा के वचनों को नियमबद्ध करता हूं। धर्मोपदेशम दर्पेणम शूद्र अगर गर्व से उपदेश करता हो तो राजा उसके मुख एवं कान में उबला हुआ तेल डाल दे। वक्रे श्रोते च पार्थिवा। केन केन चिद अंगेन शूद्र हिंसा जिस अंग से ब्राह्मण को प्रहार करे उस अंग को छेद दिया जाए। तत् देवस तन मनोरम शासनम। पाणी मुद्देम दंड ब्राह्मण को मारने हेतु वो अगर हाथ या लकड़ी उठाता है तो उसका हाथ तोड़ना उचित। ग्रह को पात क्रोध से पाव का प्रहार करता हो अर्हति तो उसका पाव काटना योग्य है। ब्राह्मण के साथ आसन पर शूद्र बैठना चाहे तो उसके कमर पे तप्त लोहे से चिन्ह करे तथा राज्य के बाहर निकाल दे अथवा वह नमरी इस हिसाब से उसका कुल्हा काटे। गर्व से थूक कर ब्राह्मण का जो शूद्र अपमान करे उसके दोनों होठ राजा काट दे। उसके सामने अगर मूत्रों सर कर अपमानित करता है तो उसका शिश्न काट दे और उसके सन्मुख पाता है तो गुदा काट दे। सुनो हमारे राजा का ऐलान सुनो। हमारे राज्य में धर्म रक्षा, सामाजिक समृद्धि और सामाजिक समरसता के लिए मनु का दंड विधान लागू किया गया है। जो चातुर्वर्ण की रक्षा के लिए निर्मित विधान का पालन नहीं करेगा उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। शूद्र यदि किसी ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार करे उसे बोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दो। यदि शूद्र ने ब्राह्मण की ओर देखने की दुष्टता की तो उसकी आंखें फोड़ दो। शूद्र यदि छिपकर भी वेदों का पाठ सुनता हो तो उसके कान में उबलता हुआ तेल डाल दो। अवनिष्ठीवतो दर्पाद् द्वावोष्ठि छेदये नृपः अवमुत्रयतो मे। पाणिछेदनमागति
वनिष्ठे वतो दर्पाद द्वावोष्ठे छेदये नृपः अवमृतयतो मेद्रमवशरधयतो गुदम्। Let's go!